आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IRFC के स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पे आप IRFC में देखेंगे, आज देखिए यहाँ पे कंपनी की मीटिंग होने वाली थी और देखिए मीटिंग का आउटकम निकल के आ चुका है। जो मैंने आपको बताया था पहले भी कि देखिए कंपनी यहाँ पे फंड रेजिंग के ऊपर विचार कर सकती है, और पहले भी देखिए कंपनी ने कहा भी था कि देखिए यहाँ पे मार्केट बोरोइंग करेगी कंपनी। तो देखिए यही खबर निकल के आ चुकी है यहाँ पे, और उस खबर पे देखिए मोहर लगती हुई नज़र आई है कि यहाँ पे फंड रेजिंग होती हुई देखिए आपको नज़र आएगी। तो इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि ये शेयर होल्डर के लिए कैसे खास हो सकता है, और यहाँ पे IRFC के अंदर आगे अगर आपको कोई पोजीशंस बनानी है तो कैसे बना सकते हैं, आगे के टारगेट्स आपको क्या देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों चैनल से आप नए जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलना। तो देखिए सबसे पहले IRFC के हम वो मीटिंग के आउटकम के ऊपर जाते हैं, क्या कंपनी की तरफ से देखिए प्रेस रिलीज की गई है, चलिए आपको पहले वो बता देता हूँ। तो देखिए IRFC ने जो मीटिंग करी थी उसका देखिए यहाँ पे आउटकम कंपनी ने देखिए रिलीज़ कर दिया, प्रेस रिलीज देखिए जारी कर दिया। तो देखिए इंटीमेशन अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड लिस्टिंग, तो यहाँ पे कंपनी ने क्या कहा है, चलिए सबसे पहले ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज़ फर्दर इन्फॉर्म दैट इन ऑर्डर टू मीट द बोरोइंग टारगेट मैंडेटेड बाय MOR कंपनी रेज द फंड्स एट रेगुलर इंटरवल्स। तो देखिए कंपनी का स्पेशली देखिए जो कहा गया है कि यहाँ पे कंपनी फंड आपको मार्केट से उठाती भी नज़र आएगी, यहाँ पे जो रेगुलर इंटरवल्स में देखिए कंपनी यहाँ पे आपको फंड रेज करती भी नज़र आएगी। और यहाँ पे देखिए जो रिजल्ट का आउटकम है यही है कि देखिए कंपनी का जो अमाउंट हो सकता है वो यहाँ पे एक्सीड नहीं कर सकता है 65,258 करोड़ रुपए तक। लेकिन कंपनी यहाँ पे अब आपको एक पैस जो यहाँ पे फंड रेजिंग की पूरी पूरी बातें चल रही थी देखिए वो पूरी यहाँ पे सच निकली है, और कंपनी ने अब कह दिया है कि हम यहाँ पे फंड रेजिंग के ऊपर विचार कर रहे थे, और अब फंड रेजिंग की दोस्तों यहाँ पे घोषणा भी कंपनी के द्वारा आपको कर दी गई है। तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी ने एक और एक स्टेप आगे बढ़ा लिया है अपनी बिजनेस को देखिए थोड़ा सा कह सकते हैं बढ़िया करने के लिए। जो फंड रेज होता है दोस्तों, ये आपको समझना पड़ेगा कि जो फंड रेजिंग होती है ये कंपनी के बेटरमेंट के लिए होती है, और वही आपको देखने को मिल रहा है कंपनी के बेटरमेंट के लिए कंपनी यहाँ पे फंड रेज करेगी। किसके द्वारा करेगी, यहाँ पे देखिए कंपनी ने कहा है कि हम यहाँ से जो फंड रेज करेंगे वो करेंगे गेन टैक्सेबल बॉन्ड्स, इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा जो टैक्स फ्री बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट गारंटीड सर्विस बॉन्ड्स, ECB लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फ्यूचर लीज रिसीवेबल्स। यहाँ पे देखिए कंपनी इन सब चीज़ों के द्वारा यहाँ पे आपको फंड रेज करती हुई नज़र आएगी। तो वो जो बात है कि यहाँ पे कोई QIP के ऊपर कंपनी ने देखिए यहाँ पे विचार नहीं किया है, कंपनी यहाँ पे जो इनके बॉन्ड्स होते हैं उसके ज़रिए देखिए यहाँ पे पैसा आपको रेज करती हुई नज़र आएगी। अब दोस्तों स्टॉक के चार्ट पे जाते हैं कि यहाँ पे स्टॉक के अंदर क्या यहाँ से कोई बड़ी तेज़ी बन सकती है, तो चलिए दोस्तों आपको ये बताता हूँ। तो देखिए IRFC की आज क्लोजिंग आपको देखने को मिली है 23.10 के अंदर। तो यहाँ पे कोई क्लोजिंग में तो देखिए कोई खास यहाँ पे आपको दिक्कत की बात दिखती नहीं, क्योंकि देखिए स्टॉक में यहाँ पे कोई आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिला है क्लोजिंग पे। बट कह सकते हैं कि आज स्टॉक ने शुरुआत में एक बढ़िया क्लोजिंग दिखाई थी, शुरुआत में काफ़ी बढ़िया स्टार्टिंग दिखाई थी, बिकॉज स्टॉक अब में आप देखेंगे तो एक बढ़िया पोजीशंस इंक्रीज हो रही थी, वॉल्यूम्स के साथ शुरुआत में कारोबार कर रहा था। लेकिन आप देखेंगे उसके बाद स्टॉक के अंदर थोड़ी सी आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे देखिए चार्ट अगर हम देखते हैं आज का, हाँ तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे आज शुरुआत में स्टॉक काफ़ी बढ़िया मोमेंटम के साथ देखिए बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। 23.55 रुपये का यहाँ पे देखिए आज में आपको इंट्राडे हाई लगता हुआ देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे तो स्टॉक के अंदर लगातार यहाँ पे गिरावट बनती गई, गिरावट इन द सेंस आप कह सकते हैं कि स्टॉक के अंदर जो बढ़त थी वो पूरी खो दी। और आप देखिए दिन के लोवेस्ट पॉइंट के आसपास देखिए IRFC ने आज अपनी क्लोजिंग दी है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि देखिए स्टॉक के अंदर जो इंपॉर्टेंट रहा है कि अभी देखिए 23 रुपये के ऊपर ही टिका हुआ है। और सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पे जो निकल के आ रही है कि देखिए स्टॉक जब तक 23 के ऊपर मेंटेन रहेगा तब तक देखिए यहाँ पे आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। कंपनी के Q4 के ऊपर बात करें तो देखिए Q4 के ऊपर अभी भी कोई अपडेट यहाँ पे निकल के नहीं आया है। यहाँ पे देखिए पूरी पूरी उम्मीद है कि कंपनी आज अपनी डेट अनाउंस कर देगी रिजल्ट्स की, बट कंपनी की तरफ से अभी भी देखिए यहाँ पे रिजल्ट्स के ऊपर कोई भी यहाँ पे डेट निकल के नहीं आई है। बट ओवरऑल आप देखेंगे तो स्टॉक ने काफ़ी बढ़िया तेज़ी दिखाई है आज। तो यहाँ पे कह सकता हूँ कि स्टॉक के अंदर जो बने रहना चाहते हैं वो डेफिनेटली बने रहे। पहले भी देखिए आपको कहा है कि यहाँ पे स्टॉक के अंदर आपको बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। स्टॉक में जो जितना कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगा वो इतना ही बढ़िया है। स्टॉक में देखिए ऊपर में एक रेजिस्टेंस है 23.75 का, वो क्रॉस होगा तो देखिए यहाँ पे एक बड़ी तेज़ी बनती हुई आपको देखने को मिलेगी। बट ओवरऑल स्टॉक काफ़ी बढ़िया चल रहा है। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, टेक्निकल्स पे देखिए हम नजर डालेंगे तो जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कोई भी स्टॉक के लिए जानना वो होता है देखिए उसका बाइंग और सेलिंग प्रेशर। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आखिरी मिनटों में अभी भी स्टॉक के अंदर एक बढ़िया देखिए आपको जो सेलिंग बाइंग था वो देखिए सेलिंग में कन्वर्ट होता हुआ नजर आया,
14 सेल 2 बाय ऑसिलेटर्स यहाँ पे न्यूट्रल है, मूविंग एवरेज स्ट्रॉन्ग सेल रिकमेंड कर रहे हैं। बट यहाँ पे आप देखेंगे जो स्टॉक के अंदर बाइंग है वो देखिए यहाँ पे आपको गवाता हुआ स्टॉक नजर आया। तो कल के लिए यहाँ पे आपको करना क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस दे रखा है 23.75 वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो देखिए जैसे स्टॉक क्रॉस करेगा एक आपको इनिशियल ब्रेकआउट की देखिए शुरुआत आपको देखने को मिलेगी, और फिर यहाँ से देखिए स्टॉक के अंदर आपको 30 तक एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हैं कि जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे करना क्या होगा दोस्तों, आपको कल के लिए खरीदारी करके चलना है करंट लेवल्स पे। अगर यहाँ पे आपको स्टॉक के अंदर जब तक 23 रुपये के ऊपर मेंटेन है तब तक देखिए यहाँ पे आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। टारगेट रखना है कल के लिए 23.50 का, और स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना है कल 23 का। 23 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 23.50 का टारगेट, स्टॉप लॉस 23 का यहाँ पे खरीदारी करनी है करंट लेवल्स पे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस।